इतनी कड़ी सुरक्षा, पग पग पर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित राक्षसियां। अवश्य सीता माता यहीं कहीं हैं। यदि माता सीता यहीं पर हैं, तो मैं अब भी उनके दर्शन प्राप्त करने में असमर्थ क्यों हूं? कैसा मूर्ख वानर हूं मैं? मैं इतने समय से यही विचार कर रहा हूं कि मैं माता सीता को ढूंढूंगा, मैं उनका पता लगाऊंगा, मैं उनको प्रभु श्री राम का संदेश दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, परंतु इस मैं के विचार में हनुमान तो ये भूल ही गया कि माता की इच्छा के बिना उनके दर्शन प्राप्त करना असंभव है। भक्ति में दंभ और अभिमान का कोई भी स्थान नहीं है हनुमान। मुझे माता सीता का ध्यान कर भक्ति भाव से उनके शुभ दर्शन प्राप्त करने की प्रार्थना करनी चाहिए। हे माता सीता, इस श्री राम सेवक प्रभु के इस तुच्छ दूत को दर्शन देने की कृपा करें, ताकि ये सेवक अपने प्रभु के काम आ सके। मुझे कोई संकेत देकर अपने समीप बुलाइए माता। हनुमान को अपने शुभ दर्शन दीजिए माता। हनुमान धन्य हुआ माता, आपके अलौकिक दर्शन प्राप्त कर मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है माता। आपके समान शीलवान और दिव्य आभा से मंडित और कौन हो सकता है माता। आपके दर्शन से मेरा व्याकुल हृदय शांत हो गया है माता, निराशा उल्लास में परिवर्तित हो गई है। आपके दर्शन के लिए आतुर इस तुच्छ राम भक्त को दर्शन देकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है माता। मेरा जन्म सफल हुआ, आपको मेरा शत शत प्रणाम। प्रकाश पुंज कपि देखी, तरु की ओट बैठी बैदेही। हनुमत डाल बसे एक छोरा, मात को देखे भाव विभोरा। आ
आनन छटा नयनाभिरामा मन ही मन बज रंग प्रणामा पवन तनय भय धन्य विलोचन खोजली जान की संकट मोचन माता इस स्थिति में धर्मशील मिथिला नरेश जनक की पुत्री पुण्यात्मा महाराज दशरथ की पुत्र वधु और मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी दुख की छाया भी सदैव जिनसे दूर रही होगी आज उन्हें विरह की अग्नि में तपते हुए देखने को विवश है मेरे नेत्र नियति की कैसी क्रूर क्रीड़ा है ये उधर जल बिन मछली के भांति प्रभु श्री राम तड़प रहे हैं और इधर माता सीता प्राण बिन देह के भांति कांतिहीन हो गई है मुझे इसी क्षण माता सीता को ये बताना होगा कि उनके स्वामी प्रभु श्री राम ने हनुमान को उनके लिए संदेश देकर यहाँ भेजा है राक्षसियों के समक्ष माता के समक्ष जाना उचित नहीं है मुझे माता के एकाकी होने की प्रतीक्षा करनी होगी ये कौन आ रही है माता सीता के निकट कहीं ये माता को प्रताड़ित ना करें देवी सीता मैं अनिला दशानन लंकेश की भ्राता विभीषण की पुत्री प्रणाम मेरी माता को ज्ञात हुआ कि आपने भोजन आदि का त्याग किया हुआ है अतः उन्होंने आपके लिए ये शुद्ध एवं स्वच्छ फल आदि भिजवाए हैं कृपया करके इन्हें ग्रहण कीजिए विभीषण जी की पुत्री अनिला कदाचित अपने पिताश्री की ही प्रतिछाया है नहीं मुझे कुछ नहीं खाना ऐसा ना कहिए देवी कुछ तो ग्रहण कीजिए ऐसे आप कब तक उपवास करती रहेंगी जब 10 माह से कुछ ग्रहण नहीं किया तो अब क्यों ग्रहण करूं? उनकी सहृदयता के लिए उन्हें धन्यवाद कहना इतनी पीड़ा एक ओर विरह का दुख दूसरी ओर क्षुधा 10 माह से भोजन का त्याग सत्य है नारी की सहनशीलता की कोई सीमा नहीं
माता, आपकी इस तपस्या को नमन है मेरा। मुझे मात्र मेरे स्वामी की प्रतीक्षा है। भले ही मेरे प्राण मेरी काया क्यों न छोड़ते, किंतु तब तक एक ग्रास भी नहीं ग्रहण करूंगी जब तक मेरे स्वामी यहां आकर उस दुष्ट रावण को उसकी करनी का दंड नहीं दे देते। सीता, लंकेश का नाम आदर से ले, समझी? देवी सीता, साक्षी लंकेश के विरुद्ध कुछ भी कहना आपके लिए हितकर नहीं होगा। लंकेश कभी भी किसी भी क्षण यहाँ आ सकते हैं। ये कैसी ध्वनियां हैं? प्रसन्नता से अपने भाग्य को स्वीकार कर ले सीता। सुखी रहोगी सुखी, राज करोगी राज। तुम्हारे भाग्य का निर्णय करने आ रहे हैं स्वयं दशानन महाराज रावण। वो देखो, लौह पर स्वर्ण की परत चढ़ा देने से लौह स्वर्ण नहीं हो जाता। तुम्हारी ये भव्यता तुम्हारी दुष्टता को नहीं छिपा सकती राक्षस राज रावण। एक पतिव्रता नारी के समक्ष वैभव का प्रदर्शन, ये प्रलोभन माता सीता को नहीं डिगा पाएगा मूर्ख रावण। हमसे मुंह मोड़ लिया? क्यों? यदि रावण ने माता सीता को तनिक भी क्षति पहुंचाने का प्रयास किया तो क्यों भयभीत हो रही है मिथिला की राजकुमारी? हम तो केवल आपको रानी बनाना चाहते हैं। इसमें हमने क्या अपराध किया? हाँ, अपराध तो हुआ है, किंतु वो अपराध आपके इस मोह लेने वाले रूप से हुआ है। अपराध आपके इन खंजन नैनों से हुआ है। कटकामिनी गजगामिनी, अपराध हुआ है तो आपके शीतलता प्रदान चंद्रवदन से हुआ है। जिसके मोह पाश में बंधा हुआ मैं महाबली
महाऐश्वर्य शाली लंकेश। पीछा चलाता हूँ। अपनी मृत्यु की ओर खींचे चले आ रहे हो तुम रावण। देखो सुंदरी, मैं किस किस को लाया हूँ यहाँ, केवल आपकी आपकी सेवा करने के लिए। देव कन्याएं, यक्ष गंधर्व कन्याएं, ये सब मेरी भांति आपकी दास बनने को व्याकुल हो रही हैं। यहाँ तक कि पटरानी मंदोदरी भी, यदि आप चाहें तो हम इन सब का त्याग भी कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो। बस एक बार आकर प्रेम भरी दृष्टि से एक बार तो देख लो किस प्रतापी वेदों का क्या था, महाबली रावण का प्रस्ताव विगत 10 माह से निरंतर ठुकराती जा रहे हैं आप। और मैं बेचारा बावला दिन रात मात्र आप ही के विषय के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे असीम प्रेम का इतना अनादर ना करो जनक नंदिनी। दुष्ट रावण, तुम्हारा सौभाग्य है जो मुझे प्रभु श्री राम ने अनुमति नहीं दी, अन्यथा मैं इसी क्षण तुम्हारे इस पापी मुख से तुम्हारी जिह्वा निकाल लेता। हमारी जिह्वा हर क्षण आपका ही नाम जपती रहती है। हमारे हृदय में झांक कर देखिए, इसके हर स्पंदन में एकमात्र आप ही बसी हैं। ज्ञात रहे अशोक वाटिका हमें सबसे अधिक प्रिय है, किंतु फिर भी आपकी कोमल सुंदरता के योग्य नहीं। आपकी सुंदरता तो राजसी सुख एवं वैभव प्राप्ति के योग्य है। हर क्षण का आनंद उठाइए। स्मरण रहे मिथिला की राजकुमारी, बीता हुआ समय और जाता हुआ यौवन लौट के वापस नहीं आता। कोई ज्ञानी इतना पतित कैसे हो सकता है, शिष्टता की सारी सीमाएं लांग रहा है ये दुष्ट। अरे कैसी दयनीय स्थिति बना ली है आपने अपनी। क्षीण हुआ श्रृंगार, आभूषण विहीन देह, मैले हुए वस्त्र, पत्थर की शैया, अनवरत उपवास, क्या मिला आपको ये सब त्याग करके। आपको सब ऐश्वर्य प्राप्त करा सकता हूँ, सारे वैभव प्रदान करा सकता हूँ, जो कुबेर के स्वर्ण कोश में भी नहीं होंगे। वो वस्त्र दिला सकता हूँ जो इंद्र स्वर्ग में अपनी पति शचि को भी ना दे सके। समस्त सुख संसार के मैं आपके चरणों में डाल दूंगा। विचार करिए, वो वनवासी जिसके लिए आप सब त्याग करके यहाँ बैठी हूँ, उसने भला आपको दिया ही क्या है, वर्षों का वनवास और
ये लंबी प्रतीक्षा। बहुत हो गया रावण, यदि कुछ और कहा माता सीता या मेरे प्रभु श्री राम के बारे में तो तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। भूल जाओ उस असभ्य नर को, त्याग दो अपना हठ और मुक्त हो जाओ अपने दुखों से। मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार कर लो प्रिय, और निकाल कर फेंक दो अपने हृदय से उस धारण नर को। शीघ्र ही ज्ञात करो वो जानकी कहाँ है जिसके बिना मैं अधूरा हूं। और हनुमान, लंका में रावण की शक्ति और सेना का भेद पता कर मुझे बता। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। किसके लिए अपना ये अमूल्य समय नष्ट करे जा रही हो प्रिय? उस वलकल वस्त्र में लिपटे नर के लिए जिसकी विजय की कोई आशा नहीं, वो अपना राजपाट और भाग्य गवा कर वन वन भटकता है, धरती पर सोता है। ये तो शक्का हो रही है कि वो कहीं जीवित भी है कि नहीं। वो ना धन में, ना तप में, ना पल में, ना पराक्रम में, ना तेजस्विता में, ना यश में, किसी भी चीज में हमारी समानता नहीं कर सकता। एक कृतांगी और नर नहीं, लंकेश दशानन रावण है तुम्हारे योग्य, जिसने मानव ही नहीं यक्ष, गंधर्व, नवग्रह सब पर विजय पाई है। और तुम उस भिक्षुक वनवासी की प्रतीक्षा कर रही हो जो मेरे समक्ष तृण मात्र से भी अधिक नहीं है। तुम इतने ही पराक्रमी तो मेरे स्वामी के समक्ष मेरा हरण कर दे। क्यों चोर होकर लिप्त होना पड़ा तुम्हें? पहले तो मेरे स्वामी को छल से दूर किया मुझसे, फिर भ्राता लक्ष्मण को छल से दूर भेजकर उनकी अनुपस्थिति में हरण किया मेरा। प्रतापी ने कायर हो तुम रावण। कायर दुर्बल प्यार, तो मेरे स्वामी पुरुष सिंह श्री राम और साक्षात नरबाग भ्राता लक्ष्मण का सामना कदापि नहीं कर सकता। कायर की नहीं, मूर्ख भी हो तुम रावण। तुम मुझे स्वर्ण, माणिक
और ऐश्वर्या आदि का प्रलोभन दे रहे हैं। रावण अपना चित मुझसे हटाकर अपनी पत्नियों पर केंद्रित कर, क्योंकि एक पर स्त्री पर कुदृष्टि रखने वाला तुम जैसा कुत्सित और निकृष्ट व्यक्ति सबकी घृणा का पात्र तो बनता ही, स्वयं के पतन का कारण भी बनता है। क्या इस बात की शिक्षा तुम्हें किसी ने नहीं दी? स्वयं को वेदों का ज्ञाता कहते हो तो क्या मास्टर कंठस्थ किया तुमने वेदों को? उनका मर्म नहीं जाना? क्या तुम्हारे गुरु और तुम्हारे माता पिता ने यह नहीं सिखाया कि एक पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालना महापाप है? रावण, एक पर स्त्री पर कुदृष्टि डालकर तुमने जो अधर्म की अग्नि प्रज्वलित की है, वो तुम्हारी इस स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर मोम की भांति पिघला दी। बंद कर अपना ये प्रवचन। कोई अधर्म नहीं किया है हमने, ये राक्षस संस्कृति है। छल से या बल से किसी की भी पत्नी का हरण कर सकते हैं हम राक्षस। यद्यपि बल का प्रयोग करके हम चाहते तो तुम्हें विवश भी कर सकते थे, किंतु लंका में लाने के पश्चात हमने तुम्हें स्पर्श भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि तुम स्वयं अपने मन से हमें स्वीकार करो। अब मेरा धैर्य समाप्त होता जा रहा है और तुम्हारा समय। हाँ, समय समाप्त होता जा रहा है तुम्हारा। क्योंकि यदि मेरे स्वामी यहाँ आ गए तो समझो तुम्हारा विनाश आ गया। इसलिए अभी जो समय तुम्हारे पास बचा हुआ है रावण, सदुपयोग कर शुद्ध हृदय होकर मुझे मेरे स्वामी को लौटा दे। उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांग। क्षमा? हम मांगेंगे क्षमा एक साधारण मानव से। क्षमा हमारे शब्दकोश में ही नहीं है, क्योंकि रावण है हम। तो तुम यू समझ लो रावण, मेरे हरण का दंड तुम्हारा मरण, तुम्हारा मरण, तुम्हारा मरण। जिन्हें तुम साधारण मानव समझ रहे हो, उनके धनुष की टंकार मात्र से ही तुम्हारी ये लंका थरथरा उठेगी। उनके कंक पत्र वाले तीर चीर दे तुम्हारी और तुम्हारे राक्षसों की छाती। मान लीजिए स्वामी देवी सीता की बात, आप क्यों अपने विनाश को आमंत्रण दे रहे हैं? विनाश तो अब तुम्हारा होकर ही रहेगा दुष्ट रावण। कहते हैं पुरुष स्त्री से जितना उन्होंने विनय करता है वो उसका उतना ही अधिक प्रिय हो जाता है, किंतु मैं तुम्हारे साथ जितने मीठे वचन बोलता हूँ तुम मेरा उतना ही तिरस्कार करती हो। तुम मेरी दया के योग्य नहीं हो। आज अभी मैं तुम्हें बलपूर्वक अपना बनाऊंगा। रावण,
अन्यथा तुम्हारा अंत करके सदा के लिए तुम्हारी तृष्णा से मुक्त हो जाऊंगा। रावण यदि अब सीता माता को स्पर्श भी किया तो इसे क्षण तुम्हारा अंत कर देगा हनुमान। मृत्यु को आमंत्रण देना चाहते हैं? क्या आपको स्मरण नहीं है वो श्राप जो नर कुबेर की गुहार के कारण ब्रह्मदेव ने आपको दिया था, जब आपने रंभा की इच्छा के विरुद्ध उन पर बल प्रयोग किया था? मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के पश्चात यदि तुमने किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उस पर बल प्रयोग किया या उसका प्रयास भी किया, तुम्हारा शीश 7 भागों में खंडित हो जाएगा। तुम्हारी ये वासना ही एक दिन तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। मैंने बल प्रयोग किया और मेरे 7 टुकड़े। नहीं नहीं, श्राप सब तभी हो सकता है। एक नारी का वध आप जैसे महाबली को बिल्कुल शोभा नहीं देता। यदि देवी सीता अपनी इच्छा से आपको स्वीकार नहीं करना चाहती तो आप इन्हें पूर्ण सम्मान के साथ इनके पति के पास वापस भेज दें। इनके यहाँ रहने का अर्थ होगा एक बहुत बड़ी विपदा को आमंत्रण दें। विपदा आएगी किंतु मुझ पर नहीं, इस पर। सीता, तुम्हें जो अवधि मैंने दी थी उसमें 2 माह और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तत्पश्चात भी यदि तुम मेरी शैया में नहीं आए, मेरे कलेवा के लिए तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। अनुचरों, दाम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाओ, किंतु इस मिथिला के राजकुमारी को इतना विवश कर दो कि ये स्वयं नियमें अपनाने के लिए तत्पर हो जाए। दुष्ट मराणा रहे, इस कार्य में असफलता का अर्थ है इसके साथ ही तुम सबकी मृत्यु भी। जी लंकेश। शांत रह लिया मैं। यदि अब इन राक्षसियों ने सीता माता को कष्ट दिया
तो इनका यही अंत कर दूंगा मैं। ये राक्षसियां कुछ भी कर ले, किंतु हनुमान के रहते माता सीता को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। भयभीत करना चाहती हैं ये माता सीता को। मैथिली, लंकेश का अपमान करके तूने अच्छा नहीं किया, इसका दंड तो तुझे निश्चित ही मिलेगा। लंकेश हमारे भगवान है, हम उनका अपमान सहन नहीं करेंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि भूल जाओ उस भिक्षुक पति को, स्वीकार कर लो महाराज रावण को, अन्यथा हम लोग खा जाएंगे तुम्हें। भोजन बनाओगी राक्षसियों? जिस क्षण तुमने माता सीता को स्पर्श किया वही क्षण तुम लोगों के जीवन का अंतिम क्षण होगा। ये तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण है, स्वीकार कर लो हमारे भगवान लंकेश को। अनुचित है ये सब, किंतु मैं महाराज के आदेश के विरुद्ध कुछ कर भी तो नहीं सकती। हनुमान की सहन शक्ति की सीमाएं लांग रही हैं ये राक्षसियां। अरे मूर्ख, जिस नर की तुम प्रतीक्षा कर रही हो वो तो तुम्हें कब का बुला चुका, नहीं तो आ नहीं गया होता अब तक। स्वीकार कर लो लंकेश को, भूल जाओ इस वनवासी को, अन्यथा हम सभी तुम्हें खा जाएंगे। प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए अभी इनके बीच जाना उचित नहीं होगा। किंतु माता सीता को प्रताड़ित होते हुए भी नहीं देख सकता, कुछ तो करना होगा। भूल जाओ इस वनवासी को, कुछ तो करना होगा। जो कोई भी है वहां पर बच के नहीं जा पाएगा। चलो जय श्री राम। आपकी कृपा से हनुमान की युक्ति सफल रही प्रभु। त्रिजटा, ये क्या हुआ, तुम इतना भयभीत क्यों हो? त्रिजटा बताओ, किसने किया ये सब? बोलो त्रिजटा, ये सुदृढ़ मूर्ति किसने ध्वस्त की है? ध्वस्त हो जाएगा सब कुछ, ध्वस्त हो जाएगी ये लंका मूर्ति की ही भांति, विनाश हो जाएगा सारे राक्षस कुल का। क्या नरकल प्रलाप किए जा रही हो त्रिजटा? क्या हुआ, कैसे हुआ ये? मूर्ति के ध्वस्त होने के बारे में तो मुझे कुछ ज्ञात नहीं है, किंतु अभी अभी मैंने एक स्वप्न देखा है, बहुत भयानक स्वप्न, लंका का विध्वस्त। समस्त लंका वासियों का विनाश देखा है मैंने। स्वप्न? स्वप्न तो मात्र स्वप्न है, परंतु उसके लिए मूर्ति कैसे ध्वस्त हुई है बोलो। मेरी मानो तो ये विनाश का आरंभ है। लंकेश सीता के रूप में सारी लंका के लिए विनाश एवं स्वयं के लिए मृत्यु लेकर आए हैं यहाँ। यही भय तो मुझे भी सता रहा है। देवी सीता पतिव्रता स्त्री है, हर एक पतिव्रता स्त्री साक्षात शक्ति का रूप होती है।
माता को इस असीम दुख से मुक्त कराने के लिए हनुमान को इसी समय जाकर उन्हें अपने और प्रभु श्री राम के बारे में बताना होगा। नहीं, किंतु कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे इस वानर रूप में देखकर माता और अधिक भयभीत हो जाएं, या कहीं माता मुझे रावण का गुप्तचर ना समझ लें। मूर्खों, तुम सब एक स्वप्न मात्र से भयभीत हो गई। किंतु त्रिजटा का देखा हुआ सपने सदैव सत्य होता है, और प्रातःकाल का समय, प्रातःकाल के स्वप्न भविष्य में सदैव सत्य होते हैं। ये बताओ कि तुमने देखा क्या स्वप्न में? मैंने देखा वो वनवासी राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ गजराज पर आरूढ़ होकर आए और सीता को लेके लंकेश के पुष्पक विमान में उत्तर दिशा की ओर ले गए, और देखा घने रक्त मेघों में एक रथ जिसमें गर्धक जुते हुए थे, जो काले वस्त्र और लाल पुष्पहार पहने हुए मृत्यु की देवी का रथ है, और शीश मुड़ाए हुए लंकेश उस पर आरूढ़ हैं, जिन्हें मृत्यु की देवी दक्षिण दिशा की ओर खींच कर लिए जा रही है, और लंकेश के पीछे महाराज कुंभकर्ण, मेघनाथ और अक्ष कुमार बंधे हुए खींचे चले जा रहे हैं। पीछे छूट गई है ध्वस्त लंका, खंडहर बनी हुई, जहां चारों ओर अग्नि ही अपनी दिखाई दे रही है। हमारी सोने की चमकती हुई लंका जलकर काली हो गई है। ऐसा भयानक दृश्य था कि किसी की भी आत्मा कांप उठे। मेरा अंतर्मन स्पष्ट संकेत दे रहा है मुझे, देवी सीता का आना साक्षात मृत्यु की देवी का आगमन है। श्री राम की विजय और लंकेश रावण का विनाश निकट ही दिखाई दे रहा है मुझे। और हाँ, मैंने उसे भी देखा जो श्री राम का मुख्य सहायक है, राम का दूत है वो, महाबली वानर। वही हमारी स्वर्ण नगरी लंका को घास फूस की भांति अग्नि की ज्वाला में भस्म कर देगा। प्रतीत होता है रावण की बातों से माता सीता व्याकुल हो उठी हैं। राजपाट और भाग्य गवा कर वन वन भटकता है, धरती पर सोता है। ये तो शंका हो रही है कि वो कहीं जीवित भी है कि नहीं। तृष्णा इतनी भयंकर हो सकती है, इसकी कल्पना तक नहीं की थी मैंने। एक निरय पशु की माया में आकर दूसरे हिंसक पशु के माया जाल में फंस गई मैं। इस मृग तृष्णा का ही परिणाम है ये, जो बार बार मुझे अपने पति का अपमान सहना पड़ रहा है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि भूल जाओ इस भिक्षुक पति को, स्वीकार कर लो महाराज रावण को। रावण ही ने वो तुच्छ राक्षसियां भी मेरे स्वामी के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रही है, जो स्वामी का नाम लेने योग्य भी नहीं है। रघुकुल की प्रतिष्ठा को धूल धूसरित कर दिया है मैंने। उस दिन उनकी बात ना मानकर उनका अपमान क्या किया, आज औरों के मुख से उनके प्रति अपमानजनक बातें सुननी पड़ रही है मुझे। समस्त रघुकुल अपमानित हो रहे हैं आज मेरे कारण, कदाचित इसीलिए
अब तक वो मुझे लेने नहीं आए। उनकी बात ना मानने का ही दंड है ये। सहस्त्रों राक्षसों का वध करने वाले महायोद्धा मेरे स्वामी रावण का अंत करने अब तक क्यों नहीं आए? क्या उन्हें ज्ञात नहीं कि मैं लंका में हूं? मैं चाहे तो तीनों लोकों में ढूंढ कर शीघ्र ही मुझ तक पहुंच सकते हैं, फिर इतना विलंब क्यों? क्या उन्होंने वैराग्य अपना लिया या मेरे वियोग में क्षत्रिय धर्म त्याग कर सन्यासी बन गए थे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि मायावी रावण ने छल से मेरे स्वामी के प्राण हर लिए हो? कुछ तो हुआ है जो 10 माह व्यतीत होने तक भी वे मुझे मुक्त कराने यहाँ नहीं आए। ऐसी स्थिति में मैं स्वयं भी जीवित रहकर क्या करूंगी? मैं जीवित नहीं रहूंगी। माता सीता को ऐसा करने से रोकना होगा, माता को आश्वस्त करना ही होगा, किंतु 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 कैसे? कोई तो युक्ति निकालनी ही होगी जिससे माता भयभीत भी ना हो और उन्हें मेरी बात पर विश्वास भी आ जाए। अब तो मात्र एक ही विकल्प है मेरे पास। श्री राम के बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। अब तो यमलोक ही मेरे लिए एकमात्र स्थान बचा है जहां मैं स्वतः पहुंच सकती हूँ। नहीं, माता सीता ऐसा नहीं कर सकती। सीते। जय श्री राम। राम श्री राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम श्री राम जय जय राम। रघुकुल में दशरथ आंगन में चंद्रमुखी श्री राम थे जन्मे। हर्षित उल्लासित थी दिशाएं दीप अवध प्रज्वल घर घर में। राम श्री राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम श्री राम जय जय राम। स्वामी के नाम की ध्वनि यह लंका में, ये कोई माया है या मेरा दिवा स्वप्न या मेरा भ्रम? कुछ तो अच्छा होने का आभास हो रहा है मुझे। शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई जीता स्वयंवर जान की पाई। पितृ वचन हेतु चले वन को प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। ये मधुर स्वर लहरी कहाँ से आ रही है? कोई मधुर स्वर में मनोहर सा गीत गा रहा हो जैसे। बहुत ही पवित्र और मन को शांत करने वाली ध्वनि है ये। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई मध्यम स्वर में लोरी गा रहा हो।
यज्ञ में करते असुर अनिष्ठा, राम विनाश किए सब भ्रष्टा, पंचवटी बसे वध कर डाले, खर दूषण और ताट का दुष्टा। श्री राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। राम को विधि ने लेखी, रावण ने हर ली बैदेही, किष्किंधा सुग्रीव मिले तब, राम किए वध वाली अधर्मी। श्री राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम श्री राम जय जय राम। राम दूत बन कर एक वानर, लंका पहुंचा लांघ के सागर, चहूं दिशा माँ जान की खोजी, दर्श दिए माताब जाकर। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम श्री राम जय जय राम। प्रणाम माता। देखा स्वामी कैसा अलौकिक अद्भुत और पवित्रता से भरपूर क्षण है ये। हाँ देवेश्वरी, रामदूत हनुमान की ओर देवी सीता का प्रथम बार देखना, हनुमान का भी, अपनी श्रद्धेय माता सीता का ये प्रथम दर्शन, इन दोनों के दर्शनों का ये प्रथम क्षण श्री राम की कथा में सिद्धि सर्ग के रूप में जग प्रसिद्ध होगा। जो मनुष्य इस दृश्य का मन में भी अवलोकन करेगा या इसके बारे में पढ़ेगा या सुनेगा, उस पर श्री राम देवी सीता और रामदूत हनुमान तीनों की अपार कृपा होगी। उन्हें सिद्धि एवं बुद्धि की प्राप्ति होगी। ये सत्य है या स्वप्न? वो गीत वाला वानर साक्षात मेरे समक्ष है, ये मेरे मन की कल्पना नहीं, सत्य है ये। प्रभु श्री राम के नाम मात्र से माता का मुखड़ा प्रफुल्लित हो उठा है। जैसे घने मेघ छट जाने से सूर्यदेव चमक उठते हैं, विरह के अंधकार में आशा का सूर्य आलोकित करने वाले ये वानर श्रेष्ठ जो भी हो, हे प्रभु बृहस्पति, मेरी प्रार्थना है कि इनका कथन सर्वथा सत्य हो। हे परम पिता ब्रह्मा जी, इनकी कोई भी बात मिथ्या ना हो। अब बस माता मेरे कथन पर विश्वास करके मेरी बात सत्य मान ले, जिससे मैं माता को प्रभु श्री राम का संदेश देकर इनके संतप्त हृदय को सांत्वना प्रदान कर सकूं, इनका दुख दूर हो जाए। कौन हो तुम? मेरे समक्ष आओ और अपना परिचय दो। स्मरण रहे, यदि मेरे साथ कोई माया या छल करने का प्रयास भी किया तो तुम्हारे लिए अहितकर होगा। प्रणाम माता। भक्त कभी अपने आराध्य से
छल नहीं कर सकते माता। माता, आप जिन प्रभु श्री राम की प्राण हैं, मैं उन श्री राम का एक तुच्छ सा दूत हूँ, जिसे स्वयं प्रभु श्री राम ने आपको ढूंढने के लिए भेजा है। बस बंद करो अपना ये छल। पहले स्वर्ण मृग बनकर मुझे मोहित किया, फिर सन्यासी बनकर मेरा हरण किया, अभी कपी का वेश बनाकर मुझे छलने आए हो। नहीं माता नहीं, मैं तुम्हें भली भांति पहचान गई हूँ मायावी। वेश बदलने में तुम पूर्णतया निपुण हो रावण, अब तुम्हारी कोई भी माया मुझे नहीं छल पाएगी। माता, प्रभु श्री राम के भक्त को उनके शत्रु उस दुष्ट रावण के नाम से संबोधित मत करिए। मेरी बात का विश्वास कीजिए माता, मैं कोई अन्य नहीं, प्रभु श्री राम का संदेश वाहक हूँ, प्रभु श्री राम का दूत हूँ मैं माता। प्रभु का कैसा अधम सेवक हूँ मैं, माता सीता का विश्वास भी नहीं पा सका, दुष्ट रावण समझकर उन्होंने मुझसे अपना मुख फेर लिया। कैसी दुविधा है, मेरा हृदय कहता है ये वानर अवश्य रामदूत है, मेरे स्वामी ने ही इसे मेरे पास भेजा है, परंतु मन कहता है कि ये भी उस दुष्ट छद्मी रावण का कोई छल है, किस पर विश्वास करूं? माता विश्वास कीजिए मेरा, मैं सत्य कहता हूँ, मैं राम दूत ही हूँ, मैं वानर हनुमान प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त हूँ और उनके आदेश पर मैं आपको यहाँ ढूंढने प्रस्तुत हुआ हूँ माता। एक वानर प्रभु श्री राम का दूत, ये कैसे संभव है? माता मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, जब आपको ढूंढते हुए वलकल वस्त्रधारी नरसिंहों के समान पराक्रमी दो शूरवीर धनुर्धारी प्रभु श्री राम और उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण ने ऋषिमुख पर्वत की सीमा में प्रवेश किया, तो उन्हें अपने भ्राता वाली के सहयोगी जानकर वानर राज सुग्रीव अपने जीवन को लेकर भयाक्रांत हुए, तब उनके निकट जाकर मुझे उन वनवासी राज पुरुषों की दिव्यता और महानता का बोध हुआ। तुम्हारे दिव्य कर्ण कुंडल और कंठार तुम्हारी पहचान है हनुमान, और मैं उन्हें अपने कांधे पर बैठाकर महाराज सुग्रीव के समीप ले गया। उसी दिवस प्रभु श्री राम और महाराज सुग्रीव के मध्य एक अक्षुण्ण मैत्री स्थापित हुई, दोनों ही अपनी भार्या के वियोग से त्रस्त थे और उन्होंने एक दूसरे की सहायता करने का प्रण लिया। तत्पश्चात प्रभु श्री राम ने महाराज सुग्रीव के अग्रज वाली का वध कर अपना वचन निभाया, तो महाराज सुग्रीव ने आपका समाचार प्राप्त करने दसों दिशाओं में अनेक योग्य वानर योद्धाओं को भेजा। मैं उन्हीं में से एक हूँ माता, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। हे माता, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा माता कि मैं प्रभु श्री राम का ही दूत हूँ। हे कपीवर, यदि आप सत्य कहते हैं और आप मेरे प्रभु श्री राम के दूत बनकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो आपका मंगल हो, परंतु मेरा मन अभी भी अनेक शंकाओं से विचलित है, उनका निवारण करने हेतु आप मेरे प्रभु श्री राम की महिमा का विस्तार से वर्णन कीजिए, क्योंकि यदि आप रामदूत हैं तो आपको मेरे स्वामी श्री राम के सामीप्य का सुख लाभ प्राप्त हुआ होगा। हाँ माँ, हाँ हुआ है माँ। और आप उनके सभी उत्तम गुणों से भली भांति परिचित हुए होंगे। माता
आपके इन वचनों का श्रवण हनुमान के लिए अत्यंत सुखकर है। अपने आराध्य प्रभु श्री राम का गुणगान करना तो मेरा परम सौभाग्य है। प्रभु श्री राम का स्मरण और उनका नाम लेने के लिए तो ये भक्त सदैव आतुर है। सुनिए माता, सूर्य के समान तेजस्वी हैं वो और चंद्रमा के समान संपूर्ण जगत को शीतलता प्रदान करने वाले भी हैं। ऐसे हैं मेरे प्रभु श्री राम। लंब है भुजा कामदेव से मनोहरी प्रभु का रूप है। भूखे रक्षाशील वो विनय है सहनशील वो बृहस्पति के तुल्य रघुवीर ज्ञानवान है। भक्त के कृपाल वो शत्रुओं के काल वो धर्मराज के समान राम न्यायवान है। राम नीतिवान है वो सर्वशक्तिमान है। कैसे मैं विशेषता सुनाऊं प्रभु राम की। मन में लाख भाव है शब्दों का अभाव है। मेरे ही मेरे चे बसे है राम ही राम है। मेरे ही मेरे चे बसे है राम ही राम है। मेरे ही मेरे चे बसे है राम ही राम है। माता, मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रभु श्री राम के वर्णातीत गुणों का बखान किया। अपने प्रत्येक कथन से आपको अपना विश्वास दिलाने का यथासंभव प्रयास भी किया, परंतु मुझे ज्ञात है शंका की छाया जो आपके हृदय पर छाई है उसे हटाना कठिन है। परंतु माता, जब प्रभु श्री राम ने मुझे आपको ढूंढने भेजा था तब भी मुझे इस कठिनाई का अनुमान था। इसीलिए प्रभु श्री राम ने मुझे एक ऐसी असाधारण अमूल्य और विशिष्ट निधि देकर भेजा है जो आपको भी प्रिय है और जिसे देखकर आप मुझ पर अवश्य विश्वास करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए माता, मेरे प्रभु,
माता, इक्ष्वाकु वंश की ये राजसी मुद्रिका मेरे सत्य को प्रमाणित करती है। यही वो आभूषण है जिसके साथ प्रभु श्री राम ने राज प्रासाद का परित्याग कर वनवासी जीवन का वरण किया था। प्रसन्नता दो तन एक मन राम व सीता अश्रु आस में दो के ढल के देख हनुमत नैन बिछल के जो पाए वो किए पूरन वीर कपि कर्तव्य परायन हो दुष्टों का अब तय है अंता अंजनी सूत महिमा है अनंता रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। हे हनुमान, मरुभूमि की जलती धरती पर जैसे माँ गंगा की पावन जल की शीतल धारा बह उठी हो, रात्रि के भयावह अंधकार को भेद कर जैसे सूर्य देव की प्रथम किरण ने चहु दिशाओं में प्रकाश और आनंद की तरंग बिखेरी हो, ऐसी ही अमृतमय वाणी है तुम्हारी हनुमान। ये दूतों में श्रेष्ठ हनुमान, तुम्हारे मुख से इतना सुखद संवाद सुनकर मेरे सभी दुख मिटते प्रतीत होते हैं। हे पुत्र, विकराल राक्षसों के इस नगरी में एकाकी प्रवेश प्राप्त करने का आपका पराक्रम, आपकी बुद्धि, कर्म, निष्ठा और सामर्थ्य अद्वितीय है। आपने मेरे स्वामी की मुद्रिका मेरे निकट लाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हे कपीश्वर, अपने प्रभु का यह चिन्ह दिखाकर आपने मुझे धन्य कर दिया है, मेरे कष्ट हर लिया। मेरे स्वामी से मुझे जोड़कर मेरे हृदय को अपने शीतलता प्रदान की है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पुत्र। सीते 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 पुत्र हनुमान, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी के संदेश वाहक, मुझे बताओ मेरे प्रभु सुरक्षित और कुशल तो है, वो मुझे लेने क्यों नहीं आते? संपूर्ण जगत के कष्टों को हरने वाले मेरे स्वामी मेरे कष्टों को क्यों नहीं हरते? हनुमान, क्या मुझसे दूर रहकर वो दुखी नहीं होते? क्या मेरे समान हृदय को चीर देने वाला दुख उन्हें प्रताड़ित नहीं करता? पुत्र हनुमान, मुझे बताओ, क्या मेरे स्वामी अपने पुरुषार्थ का भली भांति निर्वाह कर रहे हैं? क्या वो अपने समस्त धर्मों का उचित रूप से पालन कर रहे हैं? मुझे उनसे ये वियोग और सहन नहीं होता। पुत्र हनुमान, उन्हें मेरा दुख का भान तो होगा,
फिर भी वो नहीं आया। मुझे बताइए कपीवर, मेरे स्वामी ने अपने अनुगामिनी को इस प्रताड़ना में क्यों छोड़ दिया हनुमान? जैसे उन्होंने मेरा परित्याग ही कर दिया। नहीं माता, ऐसा विचार भी अपने हृदय में मत लाइए माता। मेरे प्रभु आपका परित्याग कदापि नहीं कर सकते माता। आपसे दूर रहकर वो सदा शोक संतप्त रहते हैं। रमणीय दृश्यों में, सुंदर पुष्पों में उनका हृदय कहीं नहीं रमता माता। उनके नेत्रों में सदैव आपकी ही छवि रहती है। वो सदैव आपका स्मरण करते हैं। आपके वियोग में उन्हें पल भर के लिए भी निद्रा नहीं आती माता। यहां से प्रस्थान करने के पश्चात जैसे ही उन्हें आपका समाचार प्राप्त होगा, वो क्षणिक विलंब किए बिना भ्राता लक्ष्मण और महाराज सुग्रीव के साथ असंख्य वानर एवं रीच योद्धाओं के साथ यहां उपस्थित होंगे। अपने बाणों से सागर को सुखाकर वो लंका में प्रवेश करेंगे। उनके पावन पदों से ये भीषण धूल धूसरित हो जाएगी। स्वयं यमराज भी उन्हें रोकने में सक्षम नहीं होंगे माता। माता, आपसे दूर रहकर प्रभु श्री राम भी आप ही के समान विरह में अपूर्णता का अनुभव करते हैं। शीघ्र ही आपके साथ वो भी संपूर्णता प्राप्त करेंगे। ऐसी सुखद अनुभूति हो रही है कि हनुमान ने सीता से भेंट कर उन्हें मेरी मुद्रिका प्रदान कर दी है। इसका अर्थ है आपके विरह के दिनों का अंत निकट है। हनुमान, तुम्हारे कथन अनुसार स्वामी के हृदय में मेरे सिवाय अनिया और कोई विचार नहीं। मेरे वियोग में वो मेरे ही समान शोक संतप्त हैं। हनुमान, तुम्हारे वचन अमृत के समान सुखदायी हैं और विष के समान दुखदायी हैं। मेरे प्रति उनका स्नेह का वर्णन सुन मुझे आनंद की अनुभूति होती है और उनको कष्ट में जानकर मेरा अंतर मन असहनीय पीड़ा से ग्रसित होता है। दो माँ और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। हे हनुमान, शीघ्र जाकर उनसे कहिए कि उनकी सीता के पास अब अधिक समय नहीं है। उस उपद्रवी राक्षस ने मुझे मात्र दो माह का समय दिया है हनुमान, परंतु मैं इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकती। संभवतः और एक माह, यदि तब तक मुझे मेरे स्वामी के दर्शन ना हुए तो मैं उनके इस वियोग को नहीं सहन कर पाऊंगी। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। पुत्र हनुमान, तुमने जो स्वामी की छवि मेरे समक्ष प्रस्तुत की है उससे मेरा हृदय और भी व्याकुल हो उठा है। मेरे हृदय में प्रबल इच्छा हो रही है कि मैं किसी भी प्रकार अभी उनके समीप लौट जाऊं। हाँ माता, हाँ, मैं अभी इसी क्षण आपको इस कष्ट से मुक्ति दिला सकता हूँ। आप मेरी पीठ पर बैठ जाएं, मैं आपको प्रभु श्री राम के निकट ले जाऊंगा। माता, तनिक भी संकोच किए बिना मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए।
समस्त लंका नगरी में ऐसा कोई नहीं जो मेरे मार्ग का कंटक बन सके या मुझे रोक सके। आप अपने इस सूक्ष्म शरीर से विशाल सागर को पार कर मुझे स्वामी के समीप कैसे ले जा सकते हैं? माता, आप कदाचित प्रभु श्री राम की कृपा से प्राप्त हनुमान की शक्ति सामर्थ्य और उसके बल से परिचित नहीं हैं। इसीलिए आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं अभी दर्शाता हूँ कि मैं कैसे इच्छा अनुसार कोई भी आकार ग्रहण कर सकता हूँ। आज्ञा दे माता। जय श्री राम। जय श्री राम। सूर्य के समान कैसा तेज पुंज ऐसे तीव्र प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है? हाँ, ये किसकी अद्भुत शक्ति से ऐसा प्रचंड तेज जागृत हो रहा है? ये लंका नगरी में अकस्मात क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या है? रावण की लंका में यह कंपन कैसे उत्पन्न हो रहा है और यह दिव्य प्रकाश कहां से उत्पन्न हो रहा है? माता, मुझे आशा है कि अब आपके हृदय में मेरी शक्ति को लेकर कोई संदेह शेष नहीं रहा होगा। मैं आपको ही नहीं अपितु इस नगरी के वन हाट पर्वतों भवनों प्राचीरों के साथ इस संपूर्ण लंका नगरी को यहाँ से ले जाने में सक्षम हूँ। इसीलिए हे माता, संशय त्याग कर मेरे साथ चलिए और प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण को शोक और संताप से मुक्त करिए। हे कपीश, हे पवन नंदन हनुमान, मैं अब आपके साहस, आपकी शक्ति और आपकी सामर्थ्य से भली भांति परिचित हो चुकी हूँ। मुझे अब अनुमान हो रहा कि आप किस प्रकार उस विशाल सागर को पार कर यहाँ लंका पहुँचे। मैं अब जान गई हूँ हनुमान कि आप सहजता मुझे मेरे प्रभु श्री राम के समीप ले जा सकते हैं। परंतु क्या ये उचित होगा? क्या प्रभु श्री राम का महान कार्य अपूर्ण तो नहीं रह जाएगा, जिसके कारण उनकी धवल कीर्ति में खेद तो नहीं लगेगी? माता, ये सब विचार कर मुझे विश्वास है कि आपके साथ मेरा जाना सर्वथा अनुचित होगा। उचित तो ये होगा पवन पुत्र हनुमान कि मेरे पति श्री राम यहाँ आए और उस दुष्ट रावण का संहार कर मुझे यहाँ से ले जाए। हे कपिश्रेष्ठ हनुमान, अपने पति श्री राम के प्रति मेरे निष्ठा और समर्पण के कारण
मैं उनके अतिरिक्त किसी भी अन्य पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे अपने साथ ले जाने के स्थान पर मेरे स्वामी को महावीर सेनापतियों के साथ यहाँ लेकर आई हूँ। मैं दीर्घकाल से उनके विरह की पीड़ा में जल रही हूँ हनुमान, उनको मेरे निकट लाकर मेरे भीतर आनंद की धारा प्रवाहित कीजिए। हे माता, ये राम भक्त हनुमान आपको विश्वास दिलाता है आपके दुख के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। सज्जन लोगों के लिए अब प्रसन्नता और उल्लास के दिन समीप हैं और दुष्टों का नाश शीघ्र होने वाला है और दुष्टों का नाश शीघ्र होने वाला है। प्रतीत होता है जैसे ये लंका के अशुभ समय के आगमन के संकेत हैं। माता, आपने अभी तक अनेक दुखों और कष्टों का सामना किया, परंतु माता अब हनुमान आपको वचन देता है, इसी क्षण से पापियों के नाश के साथ आपके जीवन में हर्षोल्लास और आनंद के आगमन का समय प्रारंभ हो गया है। दुख के सभी बादल अब शीघ्र ही छटने वाले हैं माता। कितना सुंदर दृश्य है स्वामी। प्रिय, सुंदर कांड को इसलिए सुंदर कहा जाता है क्योंकि इसके आरंभ होते ही संसार के समस्त संताप मिट जाते हैं। सुंदर कांड सबके जीवन को एक नवीन दिशा प्रदान करता है, संकटों को दूर कर सबके मुख पर प्रसन्नता का भाव उत्पन्न करता है। इसलिए अभी हनुमान ने जो देवी सीता से कहा वो मात्र एक कथन नहीं परंतु एक सत्य है। सत्य क्योंकि देवी इस क्षण से राम कथा में दुख एवं अवसाद का कोई स्थान शेष नहीं रहेगा, समस्त दिशाओं में आनंद की वर्षा होगी, पाप का विनाश होगा जिसका आरंभ महाबली हनुमान करेंगे। पापीगण, केसरी नंदन हनुमान का यह भीषण रूप देखकर आतंकित हो जाएंगे। यह कैसा भयानक प्रकाश है जो लंका के आकाश पर छा गया है, कहीं कोई अनिष्टकारी संकेत तो नहीं, मुझे सतर्क रहना चाहिए। हनुमान पुत्र, मेरे हृदय में अब कोई संशय शेष नहीं, मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया है मेरे दुखों का अंत शीघ्र होगा। हे कपीश से, अब तुम मुझे पुत्र रूप में दर्शन दो हनुमान। जो आज्ञा माता। जय श्री राम। प्रणाम माता। ये कैसा मायावी वानर है जो इच्छा अनुसार आकार धारण करता है और इसने लंका में प्रवेश करने का असंभव कार्य कैसे पूर्ण किया? स्मरण करो क्या कहा था त्रिजटा ने। देवी सीता का आना साक्षात मृत्यु से देवी का आगमन है, और हाँ मैंने उसे भी देखा जो श्री राम का मुख्य सहायक महाबली वानर। एक वानर से लंका और लंकेश दोनों का विनाश प्रारंभ होने वाला है, पर हम अपना नाश क्यों करवाए? शीघ्र छुप जाओ, इससे पूर्व की वो वानर हमें देख ले। माता, आपको दिए वचन को निभाने के लिए अब मुझे अति शीघ्र प्रभु श्री राम के समीप पहुंचना चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए माता। पुत्र हनुमान, तुमने अपने मुख से स्वामी के नाम रूपी सत्य का उच्चारण कर यहाँ आते ही मेरे दुखों को हरना आरंभ कर दिया था,
अब तो मेरी एक ही मनोकामना शेष है पुत्र, मेरे स्वामी मेरे प्रभु से शीघ्र मेरा मिलन हो। चिंता मत कीजिए माता, ये भी अति शीघ्र होगा। मैं पलक झपकते ही उड़कर वहाँ पहुँच जाऊंगा और शीघ्र ही सभी को लेकर लौट आऊंगा माता। परंतु माता, इसके पूर्व कि मैं यहाँ से प्रस्थान करूँ, आप मुझे कोई स्मृति बताइए जिसे जानकर प्रभु निश्चिंत हो सके। अपने स्वामी अपने प्रियतम के साथ बिताए हुए समय की कुछ स्मृतियां हैं जो मेरे सिवाय मेरे प्रभु श्री राम को ही याद है। मैं ऐसी एक घटना का वर्णन करती हूँ तुम्हें, तुम उन्हें यथावत सुना देना तो प्रभु को यह अवश्य विश्वास हो जाएगा कि तुम उनके जानकी से ही मिले थे, दुष्ट रावण की किसी माया से नहीं। इन दोनों के मध्य क्या गुप्त मंत्रणा चल रही है, तुम जाकर सुन लो, फिर महाराज रावण को जाकर सब बता देना। अकस्मात ये आभा कैसे, लंकनी ने भी अभी तक उस वानर की कोई सूचना नहीं दी है। कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आसपास हो, हमें बिना प्रभावित हुए किसी भी परिस्थिति में सदैव सकारात्मक ऊर्जा और आनंद का संचार करना चाहिए। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।